कहते हैं कि मौत कभी बताकर नहीं आती। ऐसे में जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन जो लोग पीछे रह जाते हैं वो अकेले हो जाते हैं। वहीं आज के दौर में जब सगे संबंधी भी मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं, तभी स्कूल के बच्चों ने एक मिसाल कायम की है। ये घटना मध्य प्रदेश के बैतूल के एक सरकारी स्कूल की है, जहां बच्चे 12वीं के छात्रों को फेयरवेल देने की तैयारी में लगे थे। तभी पता चला कि 20 सालों तक चपरासी के पद पर काम करने वाले भैयालाल पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस खबर ने स्कूल के बच्चों को मायूस कर दिया। भैयालाल का परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, ये बात स्कूल के बच्चे जानते थे। इसलिए बच्चों ने एक फैसला लिया और विदाई समारोह के लिए इकट्ठी रकम में और पैसे जोड़कर उनके परिवार को मदद करने की बात रखी। बच्चों की ये पहल स्कूल प्रशासन के दिलों को भी छू गई। बस फिर क्या था, स्कूल के सभी शिक्षकों ने भी पैसे इकट्ठे किए और करीब 41,000 रुपए जमा करके भैयालाल के परिवार को एक छोटी सी मदद की गई। बच्चों ने बताया कि भैयालाल बच्चों से बड़े ही प्यार से पेश आते थे। यही वजह है कि उनके यूं चले जाने के बाद जब उनका परिवार अकेला हो गया तो सभी बच्चों ने इस परिवार को अपना बना लिया। कलेक्शन विदाई समारोह किया था 11वीं वालों ने, 12वीं वालों को विदाई समारोह देने के लिए, जो कि सोमवार को होने वाला था। और उसी समय पता चला कि भाई हमारे भैयालाल भैया का निधन हो चुका है, और फिर वो विदाई समारोह पोस्टपोन करना पड़ा। और वो जो सहयोग राशि, जो राशि कलेक्शन हुआ था, वो हमने भैयालाल भैया की पारिवारिक आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण उनको सहयोग राशि के रूप में दे दिया है। भैयालाल पवार हमारे स्कूल के बोले तो भैया थे, कर्मचारी थे, और वो सबका मतलब अच्छे से ध्यान से रखना, ध्यान से बोलना, अच्छे बच्चों को संभालना, उनका सब व्यवहार बहुत अच्छा था। उनका पद यहाँ चपरासी के पद पे थे, पिछले 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे, और इनका कार्यकाल इतना मस्त था, इनका व्यवहार इतना अच्छा था बच्चों के प्रति, स्टाफ के प्रति, सारा देख रेख उन्हीं का की जिम्मेदारी थी, और सब अच्छा था, यानी अच्छा देख रेख था और स्कूल के प्रति समर्पित थे। ये विदाई समारोह था बच्चों का, 11वीं वाले जो देते हैं 12वीं वालों को, तो ये था 4 फरवरी को विदाई, और उसी दिन अचानक इनका देहांत हो गया, तो वो बीच में उसको कैंसिल करना पड़ा, और फिर वो जो सहयोग राशि थी वो उनके घर वालों को दी। भैयालाल पवार के ना मतलब ये काफ़ी दिनों से स्कूल में चपरासी के पद पर कार्यरत थे, और जब ये इनका देहांत हुआ तो स्कूल स्टाफ और मतलब कुछ बच्चों के द्वारा इन्हें सहयोग राशि कर इनके नाम से, इनके बच्चों के नाम से एफडी की, और वो एफडी इनके परिवार को सौंप दी गई है। और इनके यानी 3 बच्चे थे, 2 बच्चे यहीं के स्कूल में पढ़ाई करते हैं और 1 बच्चा बाहर पढ़ रहा है, और परिवार की स्थिति काफ़ी यानी गंभीर है, यानी मजदूरी वर्ग से है ये लोग, मजदूरी वगैरह करना पड़ता है। वो सहयोग मिलने से यानी इनकी काफ़ी यानी वो राशि इनके आगे भविष्य के हिसाब से काफ़ी यानी काम में आ जाएगी इनकी, वो सोच के यानी ये लोग भी थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है इन लोगों को, कम से कम ऐसे वक्त में यानी स्कूल ने इनको काफ़ी सहयोग किया। इन स्कूली बच्चों ने एक बात तो साफ कर दी, अगर दुनिया में नफरत है, लालच है, तो मानवता भी है, प्यार भी है। भैयालाल ने जो प्यार इन बच्चों को दिया, आज वही प्यार ये बच्चे उनके परिवार पर लुटा रहे हैं। इन बच्चों को देख एक ही सवाल उठता है कि कौन कहता है कि प्यार मर जाता है। बैतूल से अमित पवार के साथ सुष्मिता मुखर्जी की रिपोर्ट।